हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ गणेश को ट्यूटोरियल इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव लर्न प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट 27 अप टू द क्वेश्चन नंबर सिक्स इज दैट क्लियर लास्ट टाइम पर हमने प्रैक्टिस सेट 27 स्टार्ट किया था और हमने क्वेश्चन नंबर सिक्स कंप्लीट किया था इज दैट क्लियर ओके सो नाउ विल कंटिन्यू प्रैक्टिस द प्रैक्टिस लर्न करते हुए प्रैक्टिस बेसिक रूल्स देखा था कि जो पावर है जितने उसके इंडेक्स होता है उस हिसाब से बेस का हम लोग उतने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं और उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं मतलब जितना पावर होगा उस पावर के हिसाब से बेस को उतने टाइम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ये हमने प्रैक्टिस थ्री so, का पावर फोर है ठीक है मतलब इंडेक्स फोर है तो थ्री को हम लोग फोर टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि बेस क्या है थ्री है, और इंडेक्स क्या है फोर है ठीक 16 है अभी 16 16 है है का बेस और थ्री क्या उसकी पावर है इंडेक्स है सिक्सटीन को पावर थ्री होने के कारण इंडेक्स तीन होने के कारण तीन बार मल्टीप्लाई करेंगे सो so, आपने देखा था प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी सिक्स में बाद में प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी सेवन में हमने क्या देखा अगर बेस सेम है और इंडेक्स अलग है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है बेस सेम है ओके और इंडेक्स के बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो इंडेक्स का क्या होगा एडिशन होगा बेस सेम है और उनके बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन है तो इंडेक्स का पावर आग तो का, का क्या होगा एडिशन होगा ये हमने लास्ट टाइम पर प्रैक्टिस है 27 में देखा अभी हम लोग देखेंगे अगर बेस सेम है और दोनों के बीच में डिविजन है तो वो देखेंगे ट्वेंटी में हमने क्या ट्वेंटी में हमने क्या देखा जितना इंडेक्स होगा उतने टाइम पर बेस को हमने मल्टीप्लाई करेंगे ये देखा और और उसी ही, उसी ही प्रैक्टिसेट में हमने देखा कि जितना इंडेक्स होगा उस हिसाब से बेस को मल्टीप्लाई होगा और मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू हमने निकाली ओके okay, उसकी वैल्यू हमने निकाली वेट दो ओके उसके बाद देखो ट्वेंटी सेवन हमने क्या देखा कोई भी बेस बेस है अगर बेस सेम है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन है उनके बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इसका इंडेक्स का क्या होगा एडिशन होगा और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं डिविजन ऑफ इंडा विद द सेम बेसिस पहले क्या था डिवीजन ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडा विद द सेम बेस हमने क्या देखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडा विद द सेम बेस देखा था हमने इसके पहले हमने क्या देखा था मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडाइसिस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंडा विद द सेम बेस पहले देखा था हमने तब क्या हुआ था इंड जो इंडेक्स है उसका एडिशन हुआ था इंडेक्स था उसका क्या होता ओके इंडेक्स क्या होता उसका एडिशन हुआ था और अभी अभी जो है अभी जो हम लोग कर रहे हो क्या है डिवीजन ऑफ इंडाइसिस विद द सेम बेसिस डिवीजन ऑफ इंडाइसिस विद द सेम बेसिस ठीक है जस्ट वेट ओके डिवीजन ऑफ इंडाइसिस विद द सेम बेसिस हम लोग कर रहे हैं ठीक है सो अभी इसमें देखो बेसिकली सॉल्ट एग्जाम्पल है हमारे सामने क्या है सोल्ट एग्जाम्पल सिक्स रेस टू फोर बाय सिक्स रेस टू टू ओके सिक्स की पावर क्या है वहां पर सिक्स की पावर फोर है डिवाइडेड बाय सिक्स की पावर टू है तो इसका आंसर पूछा है कि क्या होगा ठीक है तो उसका आंसर उन्होंने नॉर्मली निकाला है पहले सिक्स की पावर फोर अपन सिक्स की पावर टू का इसका एक्सपांड करते हुए निकाला है सिक्स की पावर फोर है तो आप जानते हैं जितना उसका इंडेक्स होता है उतने टाइम बेस मल्टीप्लाइड होता है तो आप जानते हैं यहाँ पर क्या होगा सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स मल्टीप्लाई बाय सिक्स फोर टाइम वो मल्टीप्लाई होगा यहाँ के सिक्स की पावर क्या है टू है यहाँ पे सिक्स कितने दो बार मल्टीप्लाई होगा तो अभी देखो यहाँ पर दो बार सिक्स है तो कट हो जाएगा ऊपर नीचे बचा हुआ आपका वो रह जाएगा तो क्या रहेगा अभी सिक्स इंटू सिक्स सिक्स की पावर वन इंटू सिक्स की पावर वन इजिको टू सिक्स की पावर स्क्वायर बच जाएगी सिक्स की पावर क्या हो जाएगी स्क्वायर बच जाएगी सिक्स की पावर फोर अपन सिक्स की पावर टू तो क्या हो जाएगा सिक्स की पावर फोर माइनस टू इजिकोल टू सिक्स की पावर टू बचेगी वही आंसर आ रहा है मतलब इंडेक्स का माइनस करने के बाद डिवीज़न में आंसर आपका वही आ रहा है इंडेक्स का सब्ट्रैक्शन हो रहा है वहां पर ओके okay, देखो दोनों के भी केस में उनको सेम आया है ऊपर उन्होंने कैलकुलेट करके निकाला और नीचे उन्होंने पावर को इंडेक्स को माइनस करके निकाला क्योंकि दोनों के बीच में क्या है डिवीजन है जब मल्टीप्लिकेशन था इंडेक्सेस में तब इंडेक्स का अगर सेम बेस है और उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन था तो इंडेक्स का एडिशन हुआ अभी क्या है सेम बेसिस है और इंडस्ट्रेस के बीच में क्या है डिवीजन है डिवीजन ऑफ इंडेक्सेस है तो उस टाइम पे क्या होगा इंडेक्स है जो पावर है उनका सप्ट्रैक्शन होगा इंडेक्स है उनका पावर का क्या होगा सप्ट्रैक्शन होगा इज दैट क्लियर इंडेक्स और पावर का क्या होगा होगा इज दैट क्लियर समझ में आ रहा है पावर का सब्रैक्शन होगा मल्टीप्लिकेशन में पावर का क्या होगा एडिशन होगा पावर मतलब उसके ऊपर जो आ, इंडेक्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग सो नाव आई नो अभी हमको पता चला इफ ए इज अ नॉन जीरो रैशनल नंबर ए क्या है नॉन जीरो रैशनल नंबर है

ये राशनल नंबर है ए मतलब वो बेस है ओके ए का और उसमें क्या है एम और एन और पॉजिटिव इंटीजर एम और एन क्या है पॉजिटिव इंटीजर है एम और एन क्या पॉजिटिव इंटीजर है और एम बड़ा है एन से तो उसका डिवीजन अगर हो रहा है उन दोनों का तो क्या ए रेस टू एम माइनस एन आएगा मतलब इन शॉर्ट आपको इतना ही याद रखना है कि कहीं पर भी आपको ऐसे मिला कि ए रेस टू एम है अपॉन ए रेस टू एन है ओके uh, okay. तो आपको सीधा क्या करना है ए रेस टू एम माइनस एन करना है ए रेस टू एम माइनस एन करना है ये आपका रूल्स है इसके पहले हमने क्या किया था याद याद रख मल्टीप्लीकेशन में क्या किया था हमने याद देखो यहां पर बताऊंगा फिर से एक बार अभी ए रेस टू एम है इन टू ए रेस टू एन है तो आपने क्या किया था ए रेस टू एम प्लस एन किया था जब मल्टीप्लीकेशन था तब इंडेक्स का एडिशन हुआ और जब डिवीजन है दोनों के बीच में डिवीजन है तो इंडेक्स का क्या हो रहा है यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है इंडेक्स का क्या हो रहा है यहां पर सब्ट्रैक्शन हो रहा है इज दैट क्लियर ओके द मीनिंग ऑफ टू जीरो

ठीक है ए रेस टू माइनस एम तो उन्होंने वहां पर क्या किया उधर देखो उन्होंने पहले तो हमको बताया कि ए रेस टू एम है और उसको ए रेस टू एम से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर वन आएगा तो कैसे तो डिवीजन के थ्रू भी आप आंसर बोल सकते हो वन या फिर कट करके भी वन आएगा उनको ठीक है कट करके भी वन आएगा या फिर दूसरा हम लोग बोलते हैं एरेस टू एम माइनस एन करते हुए भी, भी आंसर क्या एर एस टू जीरो आएगा और एनीथिंग रेस्ट टू क्या होता है आप डायरेक्टली कट करके बोलो वन या फिर उसकी पावर सब्रैक्ट करके उसको जीरो बना के करो क्योंकि एनीथिंग टू टू क्या होता है? One होता है है अब अभी की पावर है तो क्या होगा ए रेस्टू माइनस वन की पावर है तो क्या होगा तो उन्होंने क्या किया ए रेस टू माइनस एम की पावर इन टू वन की है तो वन कब आता है तो हम जानते हैं ए रेस टू एम अपन ए रेस्ट टू एम वन है ए रेस्टू माइनस एम और वन के जगह पे क्या किया है इंटू ए रेस टू एम अपन ए रेस टू एम हम लोग करेंगे यहाँ पर बराबर है तो अभी देखो यहाँ पर क्या होगा ए रेस टू ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है ए रेस टू माइनस एम इन टू ए रेस टू प्लस एम अपन ए रेस टू एम ठीक है सो अभी आप क्या करोगे मतलब आपको क्या समझ रहा है इसमें से ए रेस टू माइनस एम है आपका ऊपर इज इक्वल टू आपका ये आंसर आया सो ए रेस टू माइनस एम इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस ए रेस टू जीरो हो जाएगा अपन ए रेस टू एम अभी आप जानते हैं भी आप जानते हैं ओके क्या जानते हैं अभी आप टू 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 इज इक्वल और ए रेस टू एम ए रेस टू एम है यहाँ पर तो ये आपको क्या मिला अगर माइनस एम है कोई भी पावर अगर माइनस में है तो डिनोमी में जाएगी तो वो प्लस हो जाएगी आया समझ में आपको कोई भी पावर अगर माइनस में है ओके okay. अगर वो डिनोमीटर में जाएगी तो प्लस हो जाएगी ऐसे वन अपन में जाएगी तो प्लस हो जाएगा मतलब उसका इनवर्स प्लस होगा कोई भी इंडेक्स का इनवर्स क्या होगा प्लस होगा इज दैट इनवर्स मतलब डिनोमीटर में जाएगा वो हो, उल्टा होगा उसके तो कैसे इनवर्स में बोल रहा हूँ देखो ए रेस टू माइनस एन है इसका डिनोमीटर कुछ नहीं मतलब वन होता है तो उसका इनवर्स कैसे कैसे करेंगे हम लोग मतलब वन अपॉन ए रेस टू एन तो प्लस होगा माइनस की पावर प्लस हो जाएगी वहां पर इज दैट क्लियर इनवर्स ही हो रहा है ना हम उल्टा ही करें कुछ किसका डायमीटर कुछ नहीं मतलब वन ही होता है डायमीटर सभी जिसका डायमीटर क्या होता है वन ही होता है इज दैट क्लियर तो ये माइनस है पावर n माइनस है तो उल्टा हो के क्या होगा प्लस इज दैट क्लियर ओके तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं चलिए अभी देखिए आपने ये सब देख लिया तो माइनस पावर होगी तो उसका क्या होगा मल्टीप्लीकेटिवर्स होगा देखो ए रेस टू माइनस एम था तो वन अपन ए रेस टू प्लस एम हुआ ए रेस टू माइनस वन था तो इजिको टू वन अपॉन ए हुआ तो ए इंटू वन अपन ए वन होता है तो एन टू ए इंटू एंटू ए माइनस वन टू वन आएगा नंबर और उसका मल्टीप्लीकेट यूनिवर्स वन आता है सो ए रेज टू माइनस वन इज द इनवर्स ऑफ ए क्योंकि नंबर और उसका इनवर्स उसका मल्टीप्लीकेशन वन ही आता है तो इनवर्स ऑफ फाइव बाई थ्री इज थ्री बाई फाइव मल्टीप्लिव यूनिवर्स ऑफ फाइव बाई थ्री इज थ्री बाई फाइव हम जानते हैं हमने निकाला है मल्टीप्लीवर फाइव बाई थ्री का उल्टा क्या होता है मल्टीप्लीवर्स थ्री बाई फाइव होगा मल्टीप्लीकेट इनवर्स ठीक है तो उस तरीके से पावर के टाइम पर क्या होगा पावर अगर माइनस में है तो इनवर्स क्या हो जाएगा प्लस पावर हो जाएगा तो फाइव बाई थ्री का यहाँ पे क्या था माइनस पावर वन था तो उसका यहाँ पर क्या होगा थ्री बाय फाइव होकर उसकी पावर प्लस हो गई मतलब तो डिनोमीटर में नहीं गया उसको मतलब ये ये इसका जो डिनोमीटर डिनोमीटर था उसको इंटरचेंज कर लिया आपने तो समझ लो यहाँ पर जनरली देखो ए रेस टू माइनस एम होता है तो हम लोग क्या करते वन अपन ए रेस टू एम करते हैं ठीक है बराबर है ये तो आपको समझ में आया होगा ऐसे हम लोग करते ठीक है लेकिन यहां पर क्या था फाइव अपन थ्री ए रेस टू माइनस वन था ठीक है माइनस वन था तो इसका क्या हुआ आपको देखो वन अपन वन अपन फाइव अपॉन थ्री ये ऐसे हुआ ठीक है पहले बार डिनोमिनेटर में गया फिर बाद में देखो देखो, देखो डिनोमिनेटर में फाइव अपॉइन थ्री है तो उसका उल्टा होकर क्या होगा थ्री बाय फाइव हो जाएगा मतलब ऐसे हो जाएगा मतलब डायरेक्टली इसका इक्वल टू ए हो जाएगा अगर माइनस साइन है नोमरेटर पर डिनोमीटर है तो डिनोमीटर न्यूमरेटर बनेगा नूमरेटर डिनोमीटर बनेगा और माइनस साइन चला जाएगा इज दैट क्लियर डिनोमीटर नोमेटर बनेगा निनोमीटर बनेगा माइनस साइन चेंज होगा जैसे देखो यहाँ पे न्यूमरेटर है और ये डिनोमीटर है इसकी पावर माइनस वन है तो क्या होगा डिनोमीटर हो जाएगा न्यूमरेटर नूमरेटर हो जाएगा डिनोमीटर और उसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो तो जाएगी मतलब यहाँ पे माइनस वन था यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा ये ठीक है इस तरीके से आपको समझना है ठीक है तो यही हुआ देखो फाइव बाई थ्री था यहाँ पे थ्री बाय फाइव हुआ और जो यहाँ पे पावर माइनस थी पे प्लस होगी कुछ पावर नहीं मतलब पे 1 है, वो plus 1 है। Is that clear? अभी देखो लेटसिडर फोर अपन थ्री रेस्ट टू माइनस थ्री इंटू फोर अपन थ्री रेस्ट टू माइनस थ्री फोर अपन थ्री रेस्ट टू माइनस थ्री इंटू फोर फोर अपन थ्री रेस्ट टू माइनस थ्री तो यहाँ पर क्या होगा देखो मल आप जानते हैं मल्टीप्लीकेशन या फिर इनको डिनिटर में हम लोग डालेंगे डिनोमीटर में हम लोग इनको डालेंगे तो पावर क्या होगी प्लस होगी पावर क्या होगी प्लस होगी या तो फिर इनको इंटरचेंज करेंगे तो भी पावर प्लस होगी ठीक है एक्चुअली इनका एक ही नंबर है ये बीच में उनका उन्होंने कॉमा दिया है पार्टीशन दिया है तो उन्होंने करके बताया किस तरीके से होगा तो उन्होंने कैसे बताया देखो फोर अपॉन सेवन की पावर उन्होंने निकली माइनस थ्री ले ली अभी बोला उनका आंसर आप निकालो तो इसका कैसे तरीके से आएगा तो आप वन अपन फोर बाय सेवन आप ऐसे इसको नीचे करोगे एज पर द इंडस्ट्रीज के रूल के हिसाब से हमारे यहाँ पे पावर प्लस हो जाएगी तो इसका आप कैसे करोगे फिर से अभी इज इक्वल टू आप क्या करोगे वन अपॉन पावर थ्री है तो फोर बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर बाय सेवन मल्टीप्लाई बाय फोर बाय सेवन तो आप इसको क्या करोगे फोर को मल्टीप्लाई करोगे सेवन को मल्टीप्लाई करोगे उल्टा करोगे ठीक है तो उस तरीके से वहाँ पर किया है देखो उसका आंसर निकला है फोर, पुन, फोर पुन 16, 16 वो 64, सेवन था सेवन था, सेवन से 49, फोर फोर सिक्सटी फोर सेवन वन दस सेवन सेवन फोर्टी थ्री हंड्रेड फोर्टी थ्री बाद में आंसर को उल्टा किया तो वही आया आंसर यहाँ पर मतलब उन्होंने क्या किया वन अपन फोर फोर सिक्सटीन सिक्सटीन सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर यहाँ पर आया सेवन सेवन फोर्टी सेवन जी हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री तो यहाँ पर उसका उनका ये आंसर आया इनका ठीक है अभी उन्होंने क्या किया इसको ए, ए क्या है डिनोमीटर डिनोमीटर है। का डिनोमीटर है तो डिनोमीटर का डिनोमीटर क्या होता है नोमोमीटर में जाएगा सिक्सटी फोर डिनोमीटर में वन के और डी सिक्सटी फोर का डिनोमीटर और क्या है थ्री फोर्टी थ्री तो डिनोमीटर का डिनोमीटर ऊपर जाएगा ऊपर और नीचे ये आएगा तो अभी ये जानते थ्री फोर्टी थ्री क्या होगा आपका थ्री फोर्टी थ्री क्या होगा सेवन का ओके क्यूब होगा सेवन का क्यूब होगा और 64 सिक्सटी फोर किसका क्यूब है फोर का क्यूब है दोनों मिलकर क्या हो जाएगा अभी दोनों मिलकर क्या होगा सेवन बाय फोर सेवन बाय फोर पावर क्यूब बनेगा दोनों का मिलकर इज दैट क्लियर दोनों की पावर क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी मिलकर इज दैट क्लियर ओके सो so, देखिए अभी मतलब इससे आपको क्या समझा है हेंस वी गेट द रूल दैट ए इज इक्वल टू नॉट नॉट जीरो इंटीजर और एम क्या है पॉजिटिव एम इज अ पॉजिटिव इंटीजर ठीक है पॉजिटिव या फिर कोई इंटीजर है तो क्या हो जाएगा ए रेज टू ए रेज टू देखो ए अपऑन बी होल पावर टू अगर माइनस एम होगा उसका आंसर क्या आएगा बी अपॉन ए पावर उसकी प्लस आएगी पावर उसकी क्या आएगी प्लस आएगी इज दैट क्लियर पावर उसकी क्या आएगी प्लस आएगी ये तो समझना है आपको ए अपॉन बी होल टू अगर माइनस पावर है तो उसकी पावर क्या होगी बी अपॉन ए उसकी पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी पावर बिकम प्लस इज दैट क्लियर पावर क्या हो जाएगी उसकी प्लस हो जाएगी इज दैट क्लियर ओके ओके तो ये सभी रूल को याद रखने आपको सभी रूल को आपको याद रखने तो शुरुआत से कौन से कौन से रूल्स थे देखो फिर से रिकॉल कर रहा हूं आपको शुरुआत से जितने भी रूल्स हुए सभी को रिकॉल कर रहा हूं आपको ए रेस टू एम है इन टू ए रेस टू एन है तो क्या होगा इज इक्वल टू ए रेस टू एम प्लस एन होगा मतलब बेस सेम है अगर मल्टीप्लाइड हो रहा है तो उनका इंडेक्स का क्या होगा एडिशन होगा इंडेक्स का क्या होगा एडिशन होगा दूसरा ए रेस टू एम है और बीच में डिविजन है ए रेस टू एन है देखो बेस सेम है और उनके बीच में क्या हो रहा है डिविजन हो रहा है बेस सेम है और उनके बीच में क्या हो रहा है डिविजन हो रहा है तो इंडेक्स जो है इंडेक्स उनका क्या होगा सब्टन होगा तो ए रेस टू एम माइनस एन होगा ए रेस टू एम माइनस एन होगा इज दैट क्लियर ए रेस टू एम माइनस एन होगा डिविजन होगा तो दूसरा देखो ए अपॉन बी होल रेस टू अगर माइनस एम है तो क्या होगा बी अपॉन ए होलरेज टू प्लस एम बनेगा मतलब ए अपॉन बी का बी ऑपन ए बनेगा मतलब उसका मल्टीप्लिटी यूनिवर्स होगा और पावर प्लस में आएगा और किसी की पावर माइनस है तो उस नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होके पावर प्लस में आएगी और दूसरा अगर कोई भी ए रेस टू अगर माइनस एम है ध्यान में रखो ए रेस टू अगर माइनस ए रेस टू माइनस एम है तो वो क्या होगा वन अपन में जाके ए रेस टू प्लस एम बनेगा ये भी आपको याद रखना है ए रेस टू माइनस एम है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या होगा वो प्लस एम बनेगा इन सभी चीज़ों को आप याद रखना है आपको इज दैट क्लियर सभी रूल्स को तो चलिए अभी इसके बाद भी हम लोग आगे बढ़ते हैं ठीक है थीके? तो आगे क्या है रूल्स देखिए क्या होगा वो प्लस एम बनेगा ओके डिनोमीटर में जाके प्लस एम बना अभी इसके बाद देखिए अभी कुछ सॉल्ट एग्जांपल्स हमको दिए डी आर वन से यहां पर अभी उन सॉल्ट एग्जांपल को करते हुए हमको जाना है ठीक है देखो शॉर्ट एग्जाम्पल क्या क्या है अभी थ्री रेस टू पावर फोर डिवाइड बाई थ्री रेस टू पावर सिक्स इज दैट क्लियर सो इसको किस तरीके से करेंगे अभी रूल के हिसाब से यूज करते हुए देखो टू टू पावर पावर डिवाइड कौन सा था वो सिक्स था तो इस रूल में आएगा वो कौन से रूल में आएगा तो सामने मैंने बताया आपको इस रूल में इसके अंदर आएगा वो तो चलो क्वेश्चन को लिखते हुए आपको सॉल्व करके देता हूं मैं सॉल्ट एग्जांपल सॉल्ट एग्जांपल समझेंगे तो आगे हमको इजी जाएगा तो एग्जांपल एग्जांपल को समझते हुए जाएंगे हम लोग सो थ्री रेस टू पावर फोर डिवाइडेड बाय थ्री रेस टू पावर कितना हो रहा है वहां पर सिक्स हो रहा है तो देखो अभी यहां पर इसका रूल क्या है रूल्स क्या है आपके आप जानते हैं रूल्स रूल्स इसका ये है अगर ए रेस टू एन है तो इक्वल क्या होगा ए रेस टू एन के इक्वल होगा सो दिस इज द बेसिक यू हैव टू बी रिमेंबर ऑलवेज दिस थिंग ऑलवेज रिमेंबर दिस फॉर्मूला फॉर्मूला इंडा में आपको बहुत मोस्ट ऑफ द बच्चों का इंडा वीक होता है इट्स मेरा एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ इतने सालों का बच्चे को कुछ कुछ बच्चे सभी बच्चे नहीं बोलूंगा याद नहीं रखते आप ट्रबल में आओगे फ्यूचर में अगर आप को याद नहीं रख रहे हो तो ये सभी रूल्स है ऊपर बताए आपको ए रेस टू एम इन टू ए रेस टू एन ए रेस टू एम डिवाइडेड बाई ए रेस टू एन ए रेस टू माइनस एम इज अपन ये सभी रूल्स आपको याद रखने हैं किस तरीके से वो चेंज हो रहा है रूल्स के से बेस सेम है प्रोडक्ट में तो इंडेक्स हो रहा है बेस सेम है 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 तो डिवाइड में इंडेक्स क्या हो रहा है? पावर हो रहा 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 पावर ये आपको समझना चाहिए बेस सेम है तो इंडेक्स का क्या हो रहा है हर एक ऑपरेशन में चेंज हो रहा है जब मल्टीप्लीकेशन है सर तब इंडेक्स का एडिशन हो रहा है सर अगर बेस सेम है और दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है तो इंडेक्स का एडिशन हो रहा है बेस सेम है और दोनों के बीच में अगर डिवीजन हो रहा है तो इंडेक्स का क्या हो रहा है सर सबट्रैक्शन हो रहा है राइट right. तो क्या हो रहा है सबट्रैक्शन हो रहा है तो यही चीजें आपको समझनी है कौन से ऑपरेशन में क्या हो रहा है इंडेक्स का ये आपको समझना है और इंडेक्स माइनस में है अगर सिंगल पावर जैसे कि a रे टू -m है तो डिनोमिनेटर में जाके क्या होगा वो प्लस होगा 1/a रे टू +m होगा और a/b जो हमने ऊपर देखा सॉरी ए अपन बी रोज टू माइनस एम है तो इसका मल्टीप्लिटी इन्वर्स होगा एपन बी का क्या होगा बी अपन ही होगा और जो पावर है वो प्लस हो जाएगी ये भी आपको याद रखना है ठीक है देश अभी चलो अभी जो रूल्स है अभी आपको दिख रहा है कि थ्री आपका ए का रोल प्ले कर रहा है फोर आपका एम का रोल और सिक्स आपका एन का रोल प्ले कर रहा है तो बेस सेम है दोनों के भी थ्री थ्री बेस सेम है दोनों की बेस क्या है थ्री थ्री सेम है तो बेस सेम लेंगे एक ही बार लेंगे और जो इंडेक्स है फोर और सिक्स इसका सप्ट्रैक्शन करेंगे इसका क्या करेंगे सप्ट्रैक्शन करेंगे तो अभी देखो तो थ्री रेस टू पावर फोर डिवाइड बाय थ्री रेस टू पावर सिक्स इसका क्या होगा थ्री रेज टू फोर माइनस सिक्स हो जाएगा कितना हो जाएगा बताइए मुझे थ्री रेज टू फोर सिक्स में से फोर गया बचा कितना टू बचा टू लेकिन बिगर नंबर का साइन क्या है माइनस रहता है अभी माइनस टू आएगा और आप जानते हैं माइनस पावर होती है तो डीरोटर में जाके वो प्लस होता है तो थ्री अपन की पावर वहां पे नीचे जाके स्क्वायर हो जाएगी टू हो जाएगी इस तरीके से हम लोग उसको लिख सकते हैं ठीक है तो देखो उन्होंने वो इस तरीके से ही लिखा है वहां पर उन्होंने कैलकुलेशन करते हुए निकाला है लेकिन हमको डायरेक्ट निकालना है ओके हमको डायरेक्ट निकालना है इंडेस के रूल्स के हिसाब से यूज करते हुए इस तरीके से हमको निकालना है डायरेक्ट मतलब इस तरीके से निकालना है ये वाला नहीं है हमको निकालना है इस टर्म से नहीं निकालना है ये बताने के लिए दिया उन्होंने ठीक है हमको निकाला है इस तरीके से डायरेक्टली थ्री डू फोर

डिवाइड बाई थ्री अपन फाइव रेस टू फाइव इसका कैसे होगा अभी इसका भी देखो आप ओके थ्री अपन फाइव जो है रेस टू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय थ्री अपन फाइव रेस टू क्या होगा फाइव होगा रेस टू क्या होगा फाइव होगा तो इसका क्या होने वाला है देखिए अभी यहां पर इसका क्या होना है डिविजन दोनों के बीच में क्या है डिवीजन है ठीक है तो आप जानते हैं डिवीजन होता है दोनों के बीच में क्या होता है इंडेक्स का सब्रैक्शन होता है उन्होंने सॉल्व करके बताया हमको इंडेक्स का रूल अप्लाई करना है तो रूल रूल आप जानते हैं इंडेक्स का क्या है दैट यू नो तो इंडेक्स का रूल सबसे पहले हम लोग लिखेंगे तो रूल देखो क्या है ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन होगा तो इज इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन हो जाएगा ए रेस टू एम माइनस एन हो जाएगा इज दैट क्लियर तो अभी देखो थ्री अपन फाइव रेस टू टू ठीक है डिवाइड बाय थ्री अपन फाइव रेस टू फाइव तो ये क्या होगा थ्री अपन फाइव रेस टू टू माइनस फाइव तो कितना हो जाएगा ये थ्री रू और टू माइनस फाइव सो टू अपन फाइव To minus three हो जाएगा क्योंकि five में से टू थ्री आया है 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 लेकिन के के, के पर फाइव बाई टू करते हुए पावर को प्लस बनाएंगे फाइव बाई टू करते हुए पावर को क्या बनाएंगे प्लस बनाएंगे इज दैट क्लियर समझ में आ रहा है आपको इस तरीके से आपको करना है उसको ओके okay. हमको सॉल्व करके नहीं बताना है उनको सॉल्व करके वो वो खुद बताएंगे देखो थ्री थ्री अपॉइन टू की पावर स्क्वायर है तो दो बार मल्टीप्लाई हुआ डिवाइड है मतलब डिनोमीटर में हो जाएगा इसे थ्री अपॉइन फाइव फाइव की पावर क्या है फाइव है तो फाइव टाइम मल्टीप्लाई होगा वो ठीक है फाइव पॉइंट मल्टीप्लाई अभी ये सेम सेम कट जाएगा यहाँ पर दो कट का बचा कितना तीन नीचे डिनोमीटर में तो ऊपर वन था नीचे कितना था तीन बचा था तो तीनों को लिख दिया यहाँ पर नीचे और तीनों है तो उनकी पावर क्या हो गई नीचे थ्री हो गई तो वो भी हमारा भी आंसर वही आया इंडस के हिसाब से भी वही आया माइनस थ्री आया लेकिन वो कैसे है नीचे है तो ये नीचे जब जाएगा तो माइनस थ्री आएगा तो ये अपन फाइव नीचे जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा नीचे जाएगा तो माइनस नीचे जाएगा तो प्लस जाएगा आप जानते हैं ए रेस टू माइनस सेम क्या होता है वन अपन ए रेस टू प्लस सेम होता है फिर माइनस थ्री जब डिनोमिनेटर में जब प्लस ही हो तो मतलब ऊपर के जैसे आएगा आप कैलकुलेशन से करो या फिर इंडासेस के रूल्स यूज करके करो हमने इंडासेस के रूल्स यूज करके करेंगे तो शॉर्टकट में मिल जाएगा हमको आंसर इंडस्ट्रीज के रूल्स यूज करके करेंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा शॉर्टकट भी मिलेगा तो दिस इंडस्ट्रीज के रूल्स ही हमको हेल्प करते हैं तो आंसर को शॉर्टकट निकालने के लिए इज दैट क्लियर इंडस्ट्रीज के रूल्स का हमको इस्तेमाल होता है आंसर को शॉर्टकट निकालने के लिए तो चलिए अभी आगे बढ़ते इसके बाद सो so, आपको क्या पता चला इफ ए इज द रैशनल नंबर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो ठीक है तो ये आपको याद रखना है डिवीजन के टाइम पर क्या है आपको याद रखना है पॉजिटिव क्या है है एक नंबर जो जीरो नहीं है और एम और एन क्या एक पॉजिटिव इंटीजर है ए क्या एक रैशनल नंबर है रैशनल नम्बर. रैशनल नम्बर मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है और वो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है दूसरा एम एन एन क्या है एम और एन इंटीजर से पॉजिटिव इंटीजर से क्या है पॉजिटिव इंटीजर अब इंटीजर आप जानते हैं क्या है जो नेगेटिव और पॉजिटिव भी हो सकते माइनस प्लस दोनों हो सकते ठीक है यहां पर खाली पॉजिटिव इंटीजर बोला है कि वो माइनस नहीं ऐसे बोला है बस ओके okay, उसमें जीरो भी आया ठीक है अब ये फॉर्म किस तरीके से दिया है? उन्होंने किस फॉर्म में दिया है देखो मतलब उनको बोलना क्या कि ए अपॉन बी होल रेस टू उन्होंने क्या बोला है सॉरी उनको बोलना क्या है वो देखो ए रेस टू एम और अपॉन बी सॉरी अगेन यही ही है ए रेस टू एन है ए रेस टू एम अपॉन ए रेस टू एन है तो so, क्या होगा ए रेस टू एम माइनस एन होगा क्या ए रेस टू एम माइनस एन होगा इज दैट क्लियर ए रेस टू एम है अपॉन ए रेस टू एन है तो ए रेस टू एम माइनस एन होगा वहां पर ए रेस टू एम माइनस एन गॉट इट इस तरीके से वो आंसर आएगा ओके, okay. समझ में आ रहा है आपको तो ये रूल्स को ही समझना है हाँ रूल्स को ही समझना है आपको दूसरा यहां पर कुछ उन्होंने चीजें हमको बताने की कोशिश की उसको करते जाते हैं। गोत्र वॉट हैपेन्स देश माइनस वन एंड द इंडेक्स इज होल नंबर बेस माइनस वन और इंडेक्स अगर होल नंबर है तो क्या होगा तो उनको क्या बोलना है देखो बेस माइनस वन है और माइनस वन मतलब देखो माइनस वन तुम्हारा बेस है और उसका इंडेक्स क्या है एक होल नंबर है मतलब सिक्स है तो क्या होगा बेस तुम्हारा माइनस वन एक उन्होंने बेस दिया है मतलब वो नेगेटिव नंबर है और इंडेक्स तुम्हारा होल नंबर है जो कि सिक्स तुम्हारा होल नंबर है होल नंबर आप जानते हैं जीरो से स्टार्ट होता है तो सिक्स से आपका होल नंबर है तो क्या होगा तो उसका उन्होंने आंसर दिया है यहां पर अगर वो इवेंट नंबर है इवेंट नंबर है तो आपको माइनस वन इंटू माइनस वन इन माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन कितने बार एक दो तीन चार पांच और एक बार बचा क्योंकि तो वहां पर पावर कितनी सिक्स है ना तो सिक्स बार मल्टीप्लाइड होगा तो माइनस वन सिक्स बार, बार. तो देखो वन इंटू वन माइनस माइनस प्लस तो प्लस वन आया ठीक है मल्टीप्लाई वन इंटू वन माइनस माइनस प्लस तो प्लस वन आया ओके इन वन इंटू वन माइनस माइनस प्लस तो प्लस वन आया अभी देखो वन वन जा वन 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 जा वन तो वन ही आएगा आंसर तो प्लस वन आएगा मतलब माइनस रहेगा कोई भी बेस और उसका इंडेक्स अगर पॉजिटिव रहेगा मतलब ये, ये देगा, रहेगा इवेन नंबर रहेगा ओके इफ द इंडेक्स इज अ इवेन नंबर इवेन नंबर और उसका बेस क्या है नेगेटिव है एंड बेस क्या है नेगेटिव है बेस क्या है नेगेटिव है तो वो नेगेटिव चीजें वैनिश हो जाएगी वो नेगेटिव का क्या बनेगा पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव का क्या हो जाएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा वहां पर ओके okay, क्योंकि इंडेक्स उसका इवेट नंबर है इसलिए इंडेक्स है उसका इवेट नंबर है डिनोमिनेटर इज डिफरेंट मीन्स गिव मी एग्जाम्पल Give me your own example. Whatever example you th thought, now. give me that. Three upon six raised to three upon three upon six uh, three upon six raised to eight. Is whole power raised to eight or individually power eight? means whole denominator 8. individually? You are telling out individually. Okay, that means. means that three have, 3 have power 8 and 6 also have power 8 is that right yes ah okay so here base is not same here is base is not same at that case there is a, another method of solving this okay that i will tell you here but it is not necessary to explain this answer okay but because of your question i will explain this you will make it 3 raised to power 8 here

देन दे विल कैंसल इट ओके सो वॉट रिमेन वन अपॉइंट टू की पावर एट बची सो इज इक्वल टू वन अपॉइंट टू रेस टू पावर एट ये आपका ये बचा इज दैट क्लियर सो इस तरीके से वो ऐसे आएगा लेकिन आपको इस एग्जाम्पल में इंडाइसिस में ऐसे एग्जाम्पल नहीं आएंगे ओके यू वोन्ट गेट सच एग्जाम्पल अभी तक तो मतलब तो, तो, बाद में आएंगे लेकिन अभी तो नहीं आएंगे इनके In? okay. तो remember, thing. ये आपको नहीं आएगा ये है उसको भी एक अलग मेथड है इफ देर इज मैथमेटिक्स है तो वहां पे कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन है ठीक है तो वो हमको नहीं करना है तो आपका समझना है क्या इस में, इस में समझना है इसमें इसमें बेसिकली समझना क्या है कि माइनस है किसी की पावर कोई बेस है सॉरी पावर नहीं बोलूंगा मैं कोई बेस का नंबर अगर नेगेटिव में है और उसका इंडेक्स अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका आंसर पॉजिटिव आएगा सपोज यहाँ माइनस टू होता और उसकी पावर अगर फोर होती माइनस अगर फोर होता आप जानते हैं तो ये क्या होगा माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू मल्टीप्लाई बाय माइनस टू तो क्या होगा टू टू द ओके प्लस फोर आ गया मल्टीप्लाई बाय टू टू द प्लस फोर आया और फॉर फोर 16 आपको 16 प्लस में आएगा देखो मतलब पावर अगर प्लस में है और इवन आपका बेस अगर माइनस में है पावर आपका प्लस में और प्लस इवेन नंबर है आपका पावर क्या है इवेन नंबर है तो आपका बेस भले माइनस हो आपका आंसर जो वैल्यू हो प्लस में आएगी आपके जो वैल्यू है वो क्या आएगी प्लस में आएगी इज दैट क्लियर आपके जो वैल्यू है वो आंसर क्या आएगी प्लस में आएगी और वही अगर आपका बेस अगर माइनस में है और पावर जो आपका इंडेक्स है वो ऑड नंबर है इंडेक्स आपका क्या है ऑड नंबर है इज दैट क्लियर इंडेक्स क्या है ऑड नंबर है ओके okay. इन आपका जो बेस है वो माइनस में है और उसका इंडेक्स क्या है एक ऑर्ड नंबर जैसे फाइव जैसे तो आप जानते हैं अभी क्या होगा माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन मल्टीप्लाई बाय माइनस वन तो पांच बार हुआ है यहाँ पर देखो एक दो तीन चार और एक पांच ठीक है इस तरीके से है तो अभी ये क्या होगा देखो यहाँ पर अभी माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो जाएगा माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस वन हुआ मल्टीप्लाई बाय माइनस वन इंटू माइनस वन क्या हो? हुआ प्लस वन हुआ मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर क्या है माइनस वन तो यहाँ पे माइनस वन ओके वन इंटू वन वन मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे माइनस वन सो वन इंटू माइनस वन माइनस वन आएगा वन इंटू माइनस वन क्या minus one, minus one आएगा माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन आएगा इज दैट क्लियर इज दैट क्लियर मतलब अगर इंडेक्स इंडेक्स आपका अगर कोई पॉजिटिव नंबर है इंडेक्स आपका कोई okay, पॉजिटिव नंबर है और वो क्या है ऑड नंबर है सबसे पहले इंडेक्स ऑड नंबर है सॉरी इंडेक्स आपका ऑड नंबर है और आपका बेस अगर माइनस में है इंडेक्स ऑड नंबर है और बेस आपका माइनस में है तो ऑड नंबर होने के कारण आपका आंसर भी

माइनस वन रेज टू एम पॉजिटिव आएगा एम अगर ऑड नंबर है तो -1 की power m minus number आएगा ध्यान में रखो ये ये के 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 लिए लिए था ये बस अभी तक ये के लिए। अभी तक हम लोग कर रहे प्रैक्टिस समय भी अभी ऑलमोस्ट अभी ट्वेंटी मिनट बचे हमारे लेक्चर के लिए खत्म होने के लिए सो so, अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस सेट इसको जूम करेंगे थोड़ा हंड्रेड परसेंट हाँ प्रैक्टिस सेट कितना है हमारा ट्वेंटी एट प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी एट ओके okay, चलो उसकी शुरुआत हो गई अभी देखो क्वेश्चन नंबर वन क्या है उसका सिंप्लीफाई क्या है क्वेश्चन नंबर वन क्या है सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई क्या है देखो यहां पर अभी वन सिंप्लीफाई क्या है एरेस्ट टू पावर सिक्स Divided बाय ए टू पावर फोर ठीक है एरेज टू पावर सिक्स डिवाइड बाई एरे अभी ये फॉर्मूला आप क्या जानते हैं हमने जो लर्न किया था अभी फॉर्मूलाज बेसिकली यू नो दैट अबाउट दस क्या है फॉर्मूलाज ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय एरे तो क्या होगा एरेज टू एम माइनस एन होगा a टू क्या होगा एम माइनस एन होगा इज दैट क्लियर बरो बोल रहा हूं मैं तो अभी इसमें क्या होगा देखो इसमें क्या होगा ठीक है एरेस टू एम डिवाइड यहाँ पर क्या होगा बेसिकली क्वेश्चन को एज एड लिखता हूं मैं ओके okay, क्वेश्चन को एज एडीज लिखूंगा तो ए रेस टू सिक्स डिवाइड बाई ए रेस टू फोर इसका क्या होगा ए रेस टू सिक्स माइनस फोर इज इक्वल टू ए टू टू हो जाएगा यहाँ पे आंसर क्योंकि बेस सेम है तो सेम बेस लेते हुए अगर बीच में डिवीजन का ऑपरेशन है तो इंडेक्स का क्या होगा सब्ट्रैक्शन होगा यहां पर तो सिक्स माइनस फोर इसलिए किया यहां पर हमने और सिक्स में से फोर का आंसर क्या है टू आया आपका Is that clear? आंसर क्या है आपका? टू आया राइट right है इंडेक्स के रूल इंडेक्स के रूल के हिसाब से कर रहे हैं हम लोग ओके ओके चलो आगे बढ़ते अभी नेक्स्ट वाला है देखो M to 5 divided by M to 8. Next वाला ठीक है एमरेड बाड इसको हम लोग कर रहे हैं तो रूल्स अगेन फॉर्मूला आपको लिखना ही है उसको फॉर्मूला क्या हमारा ए रेस टू एम इन टू ए टू एन क्या होगा फॉर्मूला ए रेस टू एम माइनस एन आ जाएगा बरबर है ए रेस टू एम माइनस एन आ जाएगा तो अभी किस तरीके से करोगे आप उसको किस तरीके से करोगे फॉर्मूला के हिसाब से करोगे आप ए रेस टू एम सॉरी एम नहीं ओके okay, इधर क्या आएगा इसकी पावर क्या आएगी प्लस आएगी मतलब पाई आएगी और वो क्या है एम है हमारा क्वेश्चन हमने अलग लिखा था ना तो ए क्या आएगा देखो टू टू पावर बाय पावर एट तो देखो यहाँ पर एम हमारा क्या है ए है और पाई हमारा है और एट हमारा एन है एम के जगह पे A, मतलब ए A के जगह पे अभी एम आएगा यहाँ पर और ऊपर क्या फाइव माइनस एट एम माइनस एन के जगह पे फाइव माइनस एट आएगा तो आंसर कितना आएगा इसका इज इक्वल टू एट में से फाइव गया थ्री आएगा आंसर और ये माइनस जो पावर है वो माइनस यहाँ पर आएगी एट में से फाइव गया माइनस थ्री की पावर आ गई एम ब्रेस टू माइनस थ्री यहाँ पर मिल गया हम इज दैट क्लियर एम ब्रेस टू माइनस थ्री पावर हमको मिल गया इसको हम लोग एक कर सकते हैं वन अपॉन वन में जाकर इसको प्लस बता सकते हम लोग अब जानते हैं रूल्स के हिसाब से क्या है रूल्स हमारा ए रेस टू माइनस एम और एक रूल है ना हमारा ए रेस टू माइनस एम रहेगा तो वन अपॉन वन ए रेस टू प्लस एम बन जाएगा उस हिसाब से यहां पर भी हो जाएगा और ओके तो इसको स्क्रीन शॉट लीजिए अगर आपको चाहिए तो हम लोग आगे बढ़ते ठीक है देख लीजिए सिंपल है आप खुद भी कर पाएंगे इंडेक्स इजी है समझने ले। के लिए लेकिन मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कुछ कुछ बच्चों को कुछ कुछ बच्चे हैं उनको बाउंस जाता है समझता ही नहीं ब्लिंक ही नहीं होता कभी बाद में क्योंकि वो इनिशियल पॉइंट पे ध्यान नहीं देते हैं ठीक है देखो पढ़ाई दो चीजों पर होती है जब कभी कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है फुल्ली कॉन्सेंट्रेशन से उसको आप देखिए ये क्या कंसेप्ट बोला जा रहा है वहां पर इवन एट द स्कूल लेक्चर इन द क्लास लेक्चर आपको दोनों ही लेक्चर में कॉन्सेंट्रेटली फुल्ली फोकस्ड होकर देखना है दैट वर्क वर्क विल रिड्यूस योर लेटर वही आपका बाद में आपको पढ़ाई के टाइम पे आपका काम को, आपके आवर्स को कम करेगा अगर आप ड्यूरिंग द लेक्चर आप पढ़ नहीं रहे हो ड्यूरिंग द लेक्चर आप समझ नहीं रहे हो बाद में आप सेल्फ स्टडी कितनी भी करो आपके ब्रेन में वो एंटर ही नहीं करेगा क्योंकि आपने जब आपको पढ़ा रहे थे तो आपने उसको समझने की कोशिश नहीं की उसके ऊपर आपने ध्यान नहीं दिया तो आपका लास्ट हो सकता है लेकिन आपने ध्यान दिया देखो एक स्कॉलर एक स्कॉलर बच्चे की रिकग्नाइजेशन क्या होती है वो बच्चे जब टीचर्स पढ़ाते हैं तभी ही पढ़ के लेते तभी अपनी पढ़ाई खत्म कर देते हैं ऑलमोस्ट बस उनका होमवर्क रहता है ऑलमोस्ट उनका जो लर्निंग प्रोसेस है ड्यूरिंग द टीचिंग ऑफ टीचर दे कंप्लीट देयर लर्निंग प्रोसेस रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं तो आप हंड्रेड परसेंट वहां पर अटेंडेंस दे दो हंड्रेड परसेंट उसको समझने की कोशिश करो क्वेश्चन टू वे कम्युनिकेशन करो सवाल करो जवाब दो टू वे कम्युनिकेशन करो Even you are not asking, you are not commenting anything. So i'm requesting my or online students, those are online right now. You can comment your question in the comment box. If you have any doubt, you can ask me. Sure, I will solve your problem. Okay, आपको जो भी doubt हो, उसके लेकर चलेंगे। तो चलिए, ये बस आपके लिए motivate करने के लिए था थोड़ा सा, आपको बताने के लिए था right चीज़ें। Second example हमारा हो चुका है अभी यहाँ पर। इसके बाद देखो। इसके बाद क्या है हमारा थर्ड वाला एग्जांपल क्या है p रे टू पावर क्यूब डिवाइड बाय p रे टू पावर 30 देखो थर्ड वाला एग्जांपल क्या है हमारा p रे टू पावर क्यूब डिवाइड बाय p रे टू पावर 13 के p रे टू पावर 30 तो इस केस में क्या होगा अभी हमारा इंडेसेस का फॉर्मूला हम लिख देंगे सबसे पहले क्या है पा फार्मूला a रे टू m डिवाइडेड बाय a रे टू n क्या होगा सर ईयरस टू एम माइनस एन होगा ठीक है उसी तरीके से यहाँ पे पावर थ्री है और यहाँ पर पावर थर्टीन है ओके हियर इज पावर थ्री एंड हियर इज पावर थर्टीन सो व्हाट विल डू व्हाट विल डू इन दैट केस सो रिमेंबर पेरस टू पावर क्यूब डिवाइडेड बाय पी एस टू पावर थर्टीन इज इक्वल टू क्या होगा देखो पीर एस टू थ्री माइनस थर्टीन हाउ मच विल कम देखो थर्टीन में से थ्री गया कितना बचेगा थर्टीन में से थ्री गया कितना बचेगा देखो हम लोग यहाँ पर हमारा ए मतलब पी है और एम और एन हमारा क्या है थ्री और थर्टीन है तो एम माइनस एन हो रहा है मतलब थ्री माइनस थर्टीन आएगा फॉर्मूले के हिसाब से ऊपर के अभी थर्टीन में से थ्री गया कितना बचा टेन तो आंसर क्या आएगा टेन लेकिन साइन के यहाँ पे माइनस है तो बिगर नंबर की साइन आती है कभी भी ऑपरेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन वहाँ पर हो रहा है तो ऑपरेशन होने के बाद जो बिगर नंबर को जो साइन होगी आंसर को भी वही साइन आएगी अभी थर्टीन माइनस में था इसलिए माइनस टेन आया अगेन आप जानते हैं एक रूल्स है हमारा क्या रूल्स है ए रेस टू माइनस एम है तो उसको हम लोग तो तो मैं क्या लिख सकता हूँ अभी इज इक्वल टू वन अपॉन पी रेस टू टेन मैं लिख सकता हूँ इसको दोनों भी मेरे आंसर हो सकते हैं इज वैट क्लियर इन दिस वे वी कैन राइट दिस एग्जाम्पल ओके So, watch this. कैसे किस तरीके से हमने किया है कमेंट कीजिए कुछ आपको दिक्कत है आपके फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट लेने दीजिए देखो अभी जितने ज्यादा बच्चे इसका बेनिफिट लेंगे तो उनको ज्यादा फायदा होगा ठीक है इट इज गुड टू बी अ गुड तो अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कीजिए हाँ Okay, that, that will do it. Uh, it is not necessary we added in the broadcast list. So, you will get the message through us. Uh, if you need then also I will tell the ma'am regarding this. Okay, ma'am will do. Okay, do one favor. Circulate as much possible as possible as. Means share to your friends. Okay, share it to your friends. Okay, now our example number. थ्री हो चुका है अभी हम लोग जाएंगे एग्जाम्पल नंबर फोर्थ की ओर एक्सरेस टू टेन डिवाइडेड बाय एक्सरेस टू टेन ठीक है फोर्थ वाला एग्जाम्पल एक्सरेस टू टेन डिवाइडेड बाय एक्सरेस टू टेन ओके ये हमारा है अभी इसको किस तरीके से करेंगे एरेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन इज इक्वल टू क्या होगा ए रेस टू एम माइनस एन ए रेस टू एम माइनस एन ओके है यहाँ पर इज दैट क्लियर तो अभी क्या होगा आगे देखो x तुम्हारा a है x रेस टू टेन मतलब वो वो m, m हुआ x to 10, वो n हुआ x रेस टू अगेन तुम्हारा n तो अभी क्या होगा a रेस टू एम इन टू डिड बाई ए रेस टू एन क्या होगा A rest to M -N. तो A तुम्हारा एक्स है तो टेन माइनस टेन तो मुझे बताओ टेन में से 10 गया कितना बचेगा? Zero. कितना बचेगा? बचेगा किसी की पावर अगर जीरो होती है किसी की भी पावर अगर जीरो होती है तो उसका आंसर क्या होता है इज दैट क्लियर इसकी पावर जीरो होती है उसका आंसर क्या होता है वन होता है दो so we'll दूंगा आपको वॉच करने के लिए एग्जाम्पल को किस तरीके से किया है उसके बाद तो हम लोग आगे बढ़ेंगे ओके okay? ओके okay. चलिए अभी आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन है अभी नाउ फाइंड द वैल्यू अभी तो वहां पे सिंप्लीफाई करना था सिर्फ वहां पे सिंप्लीफाई करना था ऊपर केस में या नीचे केस में तो हमको वैल्यू भी फाइंड करनी फाइंड आउट करनी पड़ेगी ठीक है वैल्यू भी, भी निकालनी पड़ेगी उस पावर के हिसाब से सो विल डू इट ओके we'll do it here सो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू क्या है फाइंड द वैल्यू ओके फाइंड द वैल्यू देखो यहां पर पहला वाला क्या है हमारा माइनस सेवन की पावर क्या है ट्वेल्व डिवाइडेड बाय यहाँ पे देखो माइनस सेवन की पावर क्या है अगेन ट्वेल्व है ठीक है माइनस सेवन की पावर ट्वेल्व डिवाइड बाय माइनस सेवन की पावर ट्वेल्व इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या है आप जानते हैं फॉर्मूला क्या है फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले हमारा फॉर्मूला इंडेसिस का ए रेस टू एम डिवाइडेड बाय ए रेस टू एन टू क्या होगा ए रेस टू एम माइनस एन ब्रैकेट क्लोज यह आपका मतलब फॉर्मूला है okay, मतलब हमारा फार्मूला भी नहीं बोल सकते रूल्स बोल सकते रूल्स रूल्स के rules. अगर डिवीजन है और इंडेक्स है और बेस सेम है तो इंडेक्सेस का क्या होगा इंडेक्स का होगा होगा तो यहां पर भी अभी वही होने वाला है ठीक है तो अभी हम लोग क्या करेंगे माइनस सेवन की पावर ट्वेल्व डिवाइडेड बाई माइनस सेवन की पावर ट्वेल्व तो इनका जो माइनस सेवन है इंडेक्स मतलब बेस है उसका सेम लिखेंगे माइनस जो बेस है उसको सेम लिखेंगे और जो पावर है वो एम माइनस सेवन मतलब ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व हो जाएगी और ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व कितनी हो जाएगी आप जानते हैं आगे माइनस सेवन की पावर जीरो हो जाएगी एनीथिंग रेस्ट टू जीरो क्या होता है एनीथिंग रेस्ट टू जीरो एनीथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज वन तो आंसर आपको क्या आएगा वन आएगा एनीथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज वन इज दैट क्लियर एनीथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज वन इस तरीके से आपको निकालना है इज दैट क्लियर ओके एनीथिंग रेस टू जीरो इज ऑलवेज वन देखो किस तरीके से किया है? हमने माइनस सेवन की पावर क्या थी ट्वेल्व थी डिवाइड बाय माइनस सेवन की पावर ट्वेल्व मतलब ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन तो क्या है? जो गो तो A to M minus N होता है पावर ट्वेल्व होगी अब बेस सेम है तो सिंगल बार लिखा ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो आया ट्वेल्व में से ट्वेल्व आया तो एनीथिंग रेस्ट टू जीरो वन होता है इस तरीके से आंसर है हमारा इज दैट क्लियर तो आगे देखिए अभी ये हुआ हमारा अभी देखो सेकेंड वाला सेवन टू पावर फाइव डिवाइड बाय सेवन टू पावर थ्री ओके वैल्यू भी निकाली हमने यहां पर उसकी देखो सेकेंड वाला है सेवन डेज टू पावर फाइव डिवाइड बाय सेवन टू पावर थ्री सेवन टू पावर फाइव डिवाइड बाय सेवन टू पावर थ्री तो आंसर क्या होगा देखो एरे टू एम डिवाइड बायस टू इक्वल टू ए रेस टू एम माइनस एन होगा

बेस सेम है तो इंडेक्स का क्या होगा सब्ट्रेक्शन होगा तो फाइव एम माइनस एन तो फाइव माइनस थ्री टू आया अब इसका आंसर निकालना तो सेवन इंटेक्स टू पावर जो तो सेवन की पावर टू है तो वो क्या होगा 7 7. तो 7, 7 आएगा फोर्टी नाइन आपका आंसर मिला आपको सेवन सेवन जो कितना आएगा फोर्टी नाइन उसका आंसर आपको मिला इसका वैल्यू आपको निकालनी थी यहां पर आपको यहां पर आपको क्या निकालनी थी वैल्यू निकालनी थी इज क्लियर ॉइस वॉइस इज नॉट कमिंग वेट ओके सो थर्ड वन अभी एग्जाम्पल अभी आगे बढ़ते हैं चलिए अभी एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल थर्ड क्या है फोर बाय फाइव फोर बाय फाइव की पावर जो है क्या है थ्री है डिवाइड बाय फोर बाय फाइव की पावर क्या है वहां पर अभी टू है

अभी देखो मेनली अभी फोर अपन फाइव की पावर थ्री डिवाइडेड बाय फोर अपन फाइव की पावर टू क्या होगा फिर फोर अपॉन फाइव की जो पावर है एम माइनस एन तो थ्री माइनस टू हो जाए माइनस एन मतलब क्या थ्री माइनस टू हो जाएगा तो कितना आएगा थ्री माइनस टू क्या वन आ जाएगा तो फोर अपन 5 की पावर वन किसी की पावर वन होती हो तो वो नंबर तो भी क्या है ए तुम्हारा क्या है ए का रूल पे कर रहा है एम की वैल्यू क्या है थ्री एन की वैल्यू क्या टू तो क्या होता है ए रेस टू ए माइनस एन होता है तो A तुम्हारा क्या है थ्री माइनस टू थ्री में से टू गया बचा वन और किसी की पावर वन रहती है तो दाट, दाट वो नंबर इट सेल्फ है फोर पॉईंट फाय का बस हे तुम्हारा आन्सर आहे इसका इज दॅट क्लिअर हे तुम्हारा आन्सर आहे तो आगे देखते हैं अभी लास्ट एग्जाम्पल हमारा प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी एट का हमारा लास्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस सेट ट्वेंटी एट का हमारा क्या है लास्ट एग्जाम्पल यहाँ फोर इज टू पावर सेवन डिवाइड बाई फोर इंस टू पावर फोर एज टू पावर फाइव फोर इज टू पावर सेवन ठीक है फोर इज टू पावर सेवन डिवाइडेड बाय फोर एस टू पावर फाइव ये हमारा क्वेश्चन है और इसको फॉर्मूला क्या आएगा ए रेस टू एम डिवाइड बाय ए रेस टू एन है तो क्या होगा ए रेस माइनस एन होगा इस तरीके से आएगा ये देखो अभी यहां पर अभी क्या होगा अभी आगे फोर की पावर सेवन है डिवाइडेड बाय फोर की पावर फाइव है तो क्या होगा बेस सेम है तुम्हारा बेस क्या है सेम है तो बेस सेम रखते हुए एम माइनस एन मतलब सेवन माइनस फाइव तो सेवन में से फाइव आप निकालोगे तो कितना बचेगा 7 में से टू आएगा, आएगा, आएगा ओके फोर की पावर टू तो फोर की पावर टू मतलब फोर इन टू फोर तो दो पावर है तो दो बार मल्टीप्लाई होगा ना बेस का तो फोर फोर जा कितना हो जाएगा सिक्सटीन तो आपका आंसर क्या आया सिक्सटीन आया एग्जैक्टली आपका आंसर क्या आया सिक्सटीन आया

टू 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 होल फाइव फाइव बार लिखना है इज दैट क्लियर सो मैं आशा करता हूँ मैं होप्स करता हूँ आपके ऊपर कि आप आई ट्रस्ट ऑन यू कि आप जेन्युइनली होमवर्क करोगे ठीक है सर सर बिलीवस ऑन यू ओके सो सर का विश्वास आप कभी तोड़ोगे नहीं ये आशा है मेरी आपके ऊपर और आप होमवर्क करोगे ठीक है सो टेक केयर बाय बाय अ नाइस डे गॉड ब्लेस यू सी यू टुमारो